आगामी कांवड़ यात्रा 2024 को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु डीआईजी व एसएसपी के द्वारा कांवड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया गया। सहारनपुर रेंज के डीआईजी अजय कुमार साहनी व सहारनपुर के एसएसपी रोहित सिंह सजवान के द्वारा एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक के साथ आगामी कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत मुख्य कांवड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया गया। तथा संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जी सर, योगी का जो नया फरमान आया है, क्या है फरमान? जी अभी जो भी निर्देश हमें ऊपर से मिले हुए हैं उसके क्रम में हम लोग कांवड़ मार्ग का निरीक्षण कर रहे हैं और निरीक्षण करके बाकी चीज़ें देख रहे हैं। और अभी जो पिछले एक महीने से कांवड़ की तैयारियां चल रही थी उसमें कांवड़ समितियों की और जो होटल हैं ढाबे इनके साथ बैठक की गई है। इसमें यह निर्धारित किया गया कि जो भी होटल ढाबे हैं रेस्टोरेंट हैं यहाँ पर प्रॉपर चीज़ों का रेट लिस्ट लगाया जाए। इसके साथ ही जो प्रोपराइटर हैं जो मालिक हैं वो अपना नाम वहाँ पर इंगित करें। साथ ही वहाँ की साफ़ सफाई के लिए जो अंतर्विभागीय समन्वय है उसमें हम लोगों ने सभी के साथ बैठक की है और सभी लोग इसका अनुपालन सुनिश्चित कर रहे हैं और जो भी हमें निर्देश मिले हैं उसी के अनुरूप सारी कार्रवाई की जा रही है। आपने निरीक्षण किया, कितने ढाबों पर आपको ये नाम लिखा हुआ मिला और या अभी निर्देश दिए गए हैं कल तक ले गए? ये अभी हम लोग देख रहे हैं और स्वेच्छा से हम देख रहे हैं, करीब 90% से ज़्यादा लोग ये कार्रवाई कर चुके हैं और जो थोड़े बहुत लोग बचे हैं वो भी कर रहे हैं और रेट लिस्ट भी सभी पे लिखा लगाया गया है और सभी विभागीय एक अंतर्विभागीय समन्वय बना के वो भी चेकिंग कराई जा रही है। सर व्यवस्थाएं क्या मिली हैं अभी जो निरीक्षण आपने किया है? तैयारियां चल रही हैं, कांवड़ शिविर जैसा कि हम लोगों ने देखा है कांवड़ शिविर भी अपने आखिरी चरण में है। 22 तारीख तक कांवड़ शिविर चालू हो जाएंगे। महिला पुरुषों के लिए अलग अलग वहाँ पर्याप्त व्यवस्थाएँ की जा रही हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, किचन का वहाँ हम लोगों ने निरीक्षण किया है और ये सारी चीज़ें बेहतर तरीके से चल रही हैं। प्रशासन भी और पुलिस भी अपनी तरफ से मुस्तैद है, बैरिकेटिंग की कार्रवाई हो रही है, लाइटिंग लगाई जा रही है, सारी तैयारियां की जा रही हैं। इस नाम लिखने को लेकर कोई विवाद सामने आया? नहीं, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, सभी की सहमति है और सभी लोग इसको मिलजुल कर रहे हैं, किसी प्रकार का ना कोई विरोध है ना कोई समस्या है। सर शामली और मुजफ्फरनगर में भी आपने निरीक्षण किया है, क्या पाया? सेम स्थिति वहाँ पर भी है, मुजफ्फरनगर में भी गंगनार पटरी है, NH-58 है, सभी जगह तैयारियाँ चल रही हैं, बैरिकेटिंग किए जा रहे हैं और जो दूर के कांवड़ के लोग हैं वो आ भी रहे हैं, उनसे लगातार बातचीत भी की जा रही है, शिविर वहाँ पर बन रहे हैं और वहाँ पे भी सभी चीज़ें हैं, सभी लोग आपस में मिलजुल कर बेहतर तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं।